पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। मैं डॉक्टर सत्यव्रत दास आज चर्चा करेंगे छांदोग्य उपनिषद के बारे में। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा की अजरता और अमरता का विश्लेषण वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का भाग है और वैदिक गानों के द्वारा यज्ञ आदि क्रिया करने का विधान है, जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहदाकार है। सामवेद की शाखा में इस उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। सामवेद गायन रूप से ब्रह्म का वर्णन है। इसमें 8 अध्याय हैं। छांदोग्य उपनिषद की नाम यह सूचित करता है कि इसका आधार छंद या गान से है। साहित्यिक कवि के भांति ऋषियां भी मूल सत्यों को विविध माध्यमों से अभिव्यक्त किए हैं। छांदोग्य उपनिषद प्रकृति के मध्य उस परमात्मा के दर्शन कराता है। इसमें ओमकार को सर्वोत्तम रस व छंद माना गया है। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय में 13 खंड है। इसमें ओमकार की व्याख्या की गई है तथा ओमकार की आध्यात्मिक आदि दैविक उपासनाओं को समझाते हुए विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि ओमकार सर्वोत्तम रस है। सर्वप्रथम उद्गाता ओम का उच्चारण करके सामगान करता है। वह बताता है कि समस्त प्राणियों और पदार्थों का रस पृथ्वी है। पृथ्वी का रस जल है। जल का रस औषधियां है। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस साम है और साम का रस ओंकार है। यह ओंकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष के मिलन से एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार वाणी प्राण और साम के संयोग से ओमकार का सृजन होता है। ओमकार एक अनुभूति है जिसे अक्षरों के गायन से अनुभव किया जाता है। यह अक्षर ब्रह्म ही व्याप्त है। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में गान को श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं की वर्णना किया गया है। इस अध्याय में पंचविध और सप्तविध साम की उपासना प्रणाली का वर्णना है और साम की संपूर्ण उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह साम है। इस प्रकार जो साम की उपासना करते हैं उन्हें श्रेष्ठ धर्म की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसमें 5 प्रकार से सोम की उपासना की जाती है। पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, आदित्य तथा ध्रुवलोक को माना जाता है। इस पंचविध साम की उपासना से ऊर्ध्व और अधोलोक के समस्त भोग सहज से प्राप्त हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद तृतीय अध्याय। इस अध्याय में आदित्य को ही परम ब्रह्म मानकर विविध छंदों के द्वारा स्वरूप का वर्णना किया गया है। इसमें आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर भागों तथा ऊर्ध्व में स्थित रसों की व्याख्या मधुमक्खियों के छत्ते के रूपक से की गई है। ऋषि का कहना है सूर्य के समस्त दृश्य सप्तरंग के साथ
सूक्ष्म चेतना प्रवाह से जुड़े हैं। ओमकार रूप यह आदित्य ही देवों का मधु है। समस्त वेदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद की मंत्र ही मधुमक्खियां हैं। चारों वेद पुष्प है और सोम ही अमृत रूप जल है। इस ब्रह्मांड में आदित्य की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही है उसके पीछे चैतन्य का संकल्प अथवा आदेश ही कार्य कर रहा है। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय में वायु और प्राण की श्रेष्ठता के विषय में बताया गया है, जिसमें वृषभ अग्नि हंस और जल पक्षी के माध्यमों से ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद पंचम अध्याय। इस अध्याय में प्राण की सर्वश्रेष्ठता एवं पंचाग्नि विद्या का वर्णन किया गया है, साथ ही अग्नि का महत्व, जीव की गति, आत्मा पर तथा जीवन जगत के गूढ़ मत विषयों का सरल भाष्य प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में शरीर में प्राण तत्व की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। इस शरीर में जो स्थान प्राण का है वह किसी अन्य इंद्रियों का नहीं है। एक बार सभी इंद्रियों में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेके विवाद छिड़ गया, तब सभी ने प्रजापति ब्रह्मा से निर्णय जानना चाहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर प्रजापति ने कहा कि जिसके द्वारा शरीर छोड़ देने पर वह नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। सबसे पहले वाणी ने, उसके बाद चक्षु ने, फिर कानों ने, फिर मन ने शरीर को बारी बारी से छोड़ा, किंतु हर बार शरीर का एक अंग ही नष्ट हुआ, शेष शरीर सक्रिय बना रहा। जैसे वाणी के जाने से वह गूंगा हो गया, चक्षु के जाने से अंधा हो गया, कानों के जाने से बहरा हो गया और मन के जाने से बालक रूप जैसा हो गया, पर जीवित रहा और अपने सारे कार्य करता रहा। किंतु जब प्राण जाने लगा तो सारी इंद्रियां शिथिल होने लगी। इन्होंने घबरा कर प्राण को रोका और उसकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर दिया। छांदोग्य उपनिषद षष्ठ अध्याय। इस अध्याय में सत्य स्वरूप ब्रह्म को विविध उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है और सृष्टि के सृजन का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में जगत की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान था, फिर किसी समय उसने अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त करने की संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही उसमें से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि में से जल प्रकट हुआ। संकल्प द्वारा प्रकट होने वाला उस अग्नि को वेद में हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उस जल के प्रभाव से अति सूक्ष्म कण बने और कालांतर में यही सूक्ष्म कण एकत्र होकर पृथ्वी का कारण बने। पृथ्वी से अन्न का उत्पादन हुआ तथा दूसरे चरणों में सूर्य उत्पन्न हुए। छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्म से प्राण तक की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ब्रह्म की वास्तविक स्थिति क्या है उस पर प्रकाश डाला गया है। अब तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वह सब तो ब्रह्म का नाम ही है। नाम के ऊपर वाणी है, क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम का उच्चारण होता है। इसे ब्रह्म का एक रूप माना जा सकता है। वाणी के ऊपर संकल्प है, क्योंकि संकल्प ही मन को प्रेरित करता है। संकल्प के ऊपर चित्त है, क्योंकि चित्त ही संकल्प करने की प्रेरणा देता है। चित्त से भी ऊपर ध्यान है, क्योंकि
ध्यान लगाने पर ही चित्त संकल्प की प्रेरणा देता है। ध्यान से ऊपर विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का ज्ञान होने पर ही हम सत्य असत्य का पता लगाकर लाभदायक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विज्ञान से श्रेष्ठ वल है, और वल से भी श्रेष्ठ अन्न है, क्योंकि भूखे रहकर न बल होगा, न विज्ञान होगा, न ध्यान लगाया जा सकेगा। छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्याय। इस अध्याय में शरीर में स्थित आत्मा की अजरता अमरता का विवेचन किया गया है। इनमें शरीर के भौतिक रूप में आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है और हृदय तथा आकाश की तुलना की गई है। यहाँ आत्मा के इस प्रसंग को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म विद्यमान रहता है। आत्मा हृदय में ही स्थित है। हृदय का अर्थ हृदि अयम, वह हृदय में है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्म तत्व को हृदय में जानता है, वह प्रतिदिन स्वर्ग लोक में ही गमन करता है। वास्तव में जितना बड़ा यह आकाश है, उतना ही बड़ा यह विस्तृत यह चिदाकाश हृदय भी है। इस हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप में आत्मा निवास करता है। यह शरीर समय के साथ साथ जर्जर होता चला है और एक दिन वृद्ध होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसीलिए शरीर को नश्वर कहा गया है। परंतु इस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, वह कभी नहीं मरता। वह न तो जर्जर होता है, न वृद्ध होता है और न मरता है। इसके साथ आज की वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ फीडबैक भी जरूर दे देना। नमस्कार।